तो मैंने अपलोड की YouTube शॉर्ट्स हर एक सिंगल डे एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। तो चैलेंज दैट कि मैं 90 डेज तक पर डे एक शॉर्ट अपलोड करूंगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 90 डेज उन वीडियो के एनालिटिक्स एंड उन शॉर्ट्स से जो भी मेरे को एक्सपीरियंस होगा वो तुम्हें इस वीडियो में साथ साथ में बताता रहूंगा। डे वन, आई हैव टू क्रिएट अ चैनल, लेकिन उसके लिए मुझे पहले चूज करने पड़ेगी एक चैनल नीच। जो मैंने चूज की मूवी रिव्यूज, बिकॉज आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज, तो ऑफकोर्स उससे बेटर मैं बना ही क्या सकता था। तो सिंपली मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट कर लिया विद द नेम जिसके बारे में तुम्हें आगे जानने को मिलेगा। देन सेम डे मैंने अपलोड कर दी 9 AM अराउंड मॉर्निंग पे एक शॉर्ट एंड उस पे व्यूज आए अराउंड 2.2K एंड मैं थोड़ा हैप्पी भी हो गया कि चलो व्यूज तो आए। एंड मैं सेम वैसा 10 डे तक डेली एक शॉर्ट अपलोड करता गया ऑन सेम टाइम 9 AM शार्प डेली, जिसमें कई शॉर्ट्स में तो व्यूज बिल्कुल भी नहीं आए एंड जिन शॉर्ट्स में व्यूज आए वो 1K 2K आके फ्रीज हो जा रहे थे। एंड देन इट्स टाइम फॉर अ एक्सपेरिमेंट, मुझे समझ आ गया था कि मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट 5 डेज तक आई डिसाइडेड टू परफॉर्म अ एक्सपेरिमेंट एंड उस एक्सपेरिमेंट के बाद लिटरली उसने मेरे पिछले 10 डेज इसके वर्क पे क्वेश्चनिंग पुट कर दी एंड उससे ही मेरे को एक मिस्टेक पता चली, जिस मिस्टेक की वजह से मेरे उन प्रीवियस 10 डे के वर्क पे क्वेश्चन मार्क पुट हो गया। तो क्या वो मेरे 10 दिन उस मिस्टेक की वजह से बर्बाद हो गए? तो वो एक्सपेरिमेंट सिंपल सा था कि तो वैसे तो मैं रेगुलर 9 AM पे वीडियो अपलोड करता था, बट उन 5 डेज में मैंने अलग अलग टाइम पे शॉर्ट अपलोड करना स्टार्ट की एंड द रिजल्ट इज ट्रूली शॉकिंग। जिन शॉर्ट्स को मैंने नॉर्मल टाइम से ज्यादा गैप में अपलोड किया एंड जिनको बस थोड़ा 10-15 मिनट के गैप में शफल किया था, उनमें व्यूज एक्चुअली इंक्रीज हुए। तो सेम मैं नेक्स्ट 15 डेज तक करता गया, जिसमें मैंने अब टैग्स डिस्क्रिप्शन को रिमूव ऐड करके सब एक्सपेरिमेंट्स किए एंड अब आ गया था डे 30 एंड इससे मुझे पता चला कि वो एक्चुअली मैटर करते हैं, क्योंकि अगर मेरी वीडियो शॉर्ट्स फीड में नहीं जा रही थी तो वो उन टैग्स से ब्राउज फीचर या फिर सजेशन में जा रही थी एंड उसके बाद वो शॉर्ट फीड से भी वायरल हो जा रही थी। तो वैसे तो मैंने उन 30 डेज में ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया था, बट एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया था हाउ शॉर्ट एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क्स। तो नेक्स्ट 30 डेज मेरे लिए स्पेशल होने वाले थे, क्योंकि अब तो बेसिक सब कुछ पता था, बस शॉर्ट्स ही तो डालनी थी। बट उन्हीं दिनों के बीच मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियो सेम ट्रिक्स को फॉलो करके भी अगेन 1K 2K व्यूज पे फ्रीज होने लग गई। बट क्वेश्चन इज दैट अब मिस्टेक कहां पे थी? तो आई फाउंड समथिंग एक्चुअली इंटरेस्टिंग कि मेरी वीडियोस शॉर्ट फीड में तो जा रही थी एंड स्वाइप रेशियो भी बहुत कम था, मींस कि जिनके पास मेरी वो शॉर्ट्स जाती थी वो रोक के उसको देख के एंजॉय तो करते थे, साथ में रिटेंशन रेट भी अबव 90% मेंटेन था, बट फिर भी व्यूज ना के बराबर आ रहे थे। तो तब मेरे को एक कमी दिखी लाइक्स एंड कमेंट रेशियो में, लिटरली वहां पे लोग इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे थे। देन अगले 10 डेज तक मैंने शॉर्ट्स में थोड़े इम्प्रूवमेंट्स किए, लाइक कुछ ऐसी चीजें ऐड की जिन पे लोग एक्चुअली कमेंट्स में आके बात करें, जिनको फुलफिल किया ट्रेंडिंग टॉपिक्स ने एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैंने शुरू कर दिया अपने कुछ जोक्स क्रैक करना एंड शॉकिंगली अब सब फ्रीक्वेंटली इंक्रीज हो गया था 10 दिन के बाद। अब कोई ही वीडियो ऐसी थी जिनमें व्यूज तक हुए, वरना वीकली एवरी वीडियो 15K पे तो ईजी जाती थी। अब बचे लास्ट 15 डेज जिनमें मैंने कुछ ऐसा किया जिसने मेरी एवरेज 15K वाले रेशियो को 2.2 मिलियन एंड एवरेज शॉर्ट ऑन 100K पे कन्वर्ट किया एंड अब मेरा YouTube शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया इतना हो गया था। हाँ, इससे मोनेटाइजेशन तो नहीं हो पाता, बट 1 month वर्क करके हो जाता। तो तुम्हें अब जानना होगा कि आखिर उन लास्ट 15 डेज में मैंने क्या किया था, तो ये सब मैं बताऊंगा अगर इस वीडियो में 100 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो लाइक स्क्रिप्ट भी रेडी है, बस जल्दी जाके कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन